आज बेटा ग्रामर का टॉपिक करांगे मुहावरे, ठीक है। मुहावरे दे पहला सुनने ध्यान, फिर हरेक ने मुहावरे दे अर्थ लिखने, ठीक है। फिर मैं जिन्हों कहूंगी मुहावरे का सेंटेंस मैं दसेगा, ठीक है। अगर कोई डिफिकल्ट वाक होएगा तुसी अपनी और नोटबुक दे लिख सकते हो रफ्ते, ते फिर नोटबुक दे तुसी सिर्फ मुहावरे दे अर्थ ही लिखने, ठीक है। अज रफ्ते लिखांगे पहला, ठीक है। पेज नंबर है 165 शाब्दिक अर्थ कुछ होर हुंदे है ते भाव अर्थ कुछ होर। फॉर एग्जाम्पल जिवें मुहावरा सुनो, इट नाल इट खड़काना, एदा शाब्दिक अर्थ कीता आपां इट इट नाल दूसरे इट नूं वजा दित्ता, ठीक है। भाव की है तबाही मचानी, भाव की जेड़ा शाब्दिक अर्थ है शब्द ते दो मीनिंग दस है मुहावरे का। मुहावरा कुछ शब्द का समूह होंदा है जिदे शाब्दिक अर्थ कुछ होर हुंदे है ते भाव अर्थ कुछ होर हुंदे है। तुसी मुहावरे करन तो पहला मीनिंग जरूर लिखना है, शाब्दिक अर्थ कुछ होर ते भाव अर्थ कुछ होर। फॉर एग्जाम्पल जिवें इट नाल इट खड़काना एक मुहावरा है, एदे शाब्दिक अर्थ की इट इट नाल दूसरी इट नूं वजा देना, तेरा भाव अर्थ की तबाही मचानी, अलग अलग है ना, ठीक है। नेक्स्ट आपां मुहावरे करांगे 51 तो, सदा दी नींद सो जाना मतलब मर जाना। मैं क्वेश्चन लिखांगी आंसर तुसी लिखने, ठीक है। सदा दी नींद सो जाना, आंसर लिखो मर जाना, नहीं लिख रही है बेटा। सब ने अपनी रफ नोटबुक से लिखने हैं, बोलना कुछ नहीं, ये बुक कोई नहीं खोलेगा, नहीं वो बाद में सुनाऊंगी। सेकंड है हाथ मलना पछताना, आंसर मैं ऊपर भी लिख रही है, तुसी स्पेलिंग चेक कर देना। हाथ मलना पछताना, ठीक है। जे वाक सुनो ध्यान, जेड़े बच्चे पढ़ते नहीं हन बाद दे विच उन्हां नूं हाथ मलने पैंदे हन। फर्स्ट आपां कीता सी सदा दी नींद सोना मर जाना, कल ही दुर्घटना दे विच उसके अंकल जेडे की सदा दी नींद सो गए। नेक्स्ट है हरण हो जाना दौड़ जाना, नहीं बेटा आंसर लिख लो खाली, हरण हो जाना दौड़ जाना, चोर पुलिस नु देख के हरण हो गया। नेक्स्ट है हाथ पीले करने ब्याह करना, पीले अपन मेहंदी वाला कहने, ठीक है। हाथ पीले करने ब्याह करना, हाथ पीले करने ब्याह करना, ठीक है। मेरे मेरे पिताजी ने मेरी भैन के हाथ पीले कर दिते। नेक्स्ट है हाथ रंगना बहुत पैसा कमाउना, हाथ रंगना बहुत पैसा हाथ रंगना, लिखो बेटा हाथ रंगना बहुत पैसा कमाना। दिवाली वाले दिनां दे विच दुकानदार हाथ रंगदे हन। नेक्स्ट है हाथ बटाउणा मदद करनी, हाथ बटाउणा मदद करनी। हाथ बटाउणा मदद करनी सानू हमेशा मुसीबत विच, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ, ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੋਣਾ
पैसे दी कमी होना। हाँ, तंग होना, पैसे दी कमी होना, व्यापार दे विच घाटा पैन कारण, ठीक है, हाथ तंग हो गया है। नेक्स्ट है हत्था दे तोते उठना घबरा जाना, हत्था दे तोते उठना घबरा जाना, हत्था दे तोते उठना घबरा जाना भी होता है डर जाना। जदों मैं चादर अपने सामने शेर नू देखिया या कोई ड्रामनी चीज नू देखिया तो मेरे हत्था दे तोते उड़ गए। नेक्स्ट है हाथ गोटे रगड़ना दुख भरिया जीवन बतीत करना, हाथ गोटे रगड़ना दुख भरिया जीवन बतीत करना। कपड़े लाने खूब लुटना पे सेम सेंटेंस वही वाला बनाना के दिवाली वाला, ठीक है। नेक्स्ट है कपड़े लाने खूब लुटना। नेक्स्ट है कान भरने चुगली करनी, चुगली या निंदा करनी, कान भरने चुगली करनी, चुगली भी लिख सकते हैं निंदा भी। चंगे बच्चे कदे भी किसी दे कान नहीं भरते, ये चुगली करनी, चंगे बच्चे कदे भी किसी दे कान नहीं भरते। नेक्स्ट है कुत्ते दी मौत बनना बहुत माड़ी मौत बनना, नेक्स्ट है कपड़िया तो बाहर होना बहुत गुस्से विच होना, बहुत गुस्से विच होना, ठीक है, कपड़िया तो बाहर होना बहुत गुस्से विच होना, ठीक है। अजकल दे बच्चे तो छोटी छोटी गल ते कपड़िया तो बाहर हो जाते हैं, या अजकल दे बच्चे निक्कियां निक्कियां गल्लां ते कपड़िया तो बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट है किधर बेटा,
बहुत गुस्से विच होना। मेरा क्वेश्चन है कपड़िया तो बाहर होना। नेक्स्ट है कख भन के दौरा ना करना। कख भन के दौरा ना करना भाव की कोई काम ना करना। कख भन के दौरा ना करना कोई काम ना करना कोई काम कख भन के दौरा ना करना कोई काम ना करना। कुछ बच्चे या नौजवान इन्नी आलसी हो जाते हैं कि वह कख भन के दौरा नहीं करते। ठीक है, अजकल के नौजवान या कुछ नौजवान इन्ने आलसी हो गए हैं कि वह कख भन के दौरा भी नहीं करते। नेक्स्ट है कन्ना ते जू ना सकनी। कन्ना ते जू ना सकनी कोई असर ना होना। ठीक है, कन्ना ते जू ना सकनी कोई असर ना होना। कई कुछ बच्चों बार बार समझाने के बावजूद भी उन्होंने कन्न ते जू नहीं सकती। ठीक है, कुछ बच्चों बार बार समझाने भी उन्होंने कन्ना ते जू नहीं सकती। नेक्स्ट है कन्ना नू हाथ लाना तौबा करनी। ठीक है, कन्ना नू हाथ लाना तौबा करनी। चोर ने कन्ना नू हाथ ला के कहा कि मैं अगे तो गलती नहीं करांगा। नेक्स्ट है कच्चा होना शर्मिंदा होना। कच्चा होना कच्चा होना शर्मिंदा होना। सानू कदे भी जिंदगी दे विच अजेहे काम नहीं करने चाहिए जिस नाल सानू जा साडे माता पिता नू कच्चा होना पवे। नेक्स्ट है कोड़ा घुट भरना। कोड़ा घुट भरना ना चाहते हुए भी। ठीक है, ना चाहते हुए भी आपां कोई भी इस तरह का काम करिए कई बार सानू अंदर जबरदस्ती काम करना पैंदा है। ये कोड़ा घुट भरना ना चाहते हुए भी किसी गल मान लेना। ना चाहते हुए भी किसी गल मान मान लेना। मान के उपर बेटा टिप्पी आती है, जे टिप्पी नहीं पीन पाओगे ना फिर अंदरला मन हो जाएगा जो साडे शरीर के अंदर होंगे। जे ऐ वाला मन उत्ते टिप्पी पाती मतलब गल नूं मान लै। जे मन उत्ते टिप्पी ने ना भाई किन्ना फर्क आ गया उहदा मतलब है साडा साडा मन अपना। ठीक है, नेक्स्ट है ना चाहते हुए किसी गल नूं मान लेना भाव की कोड़ा कुट भरना। अध्यापक दे कहन ते उसने कोड़ा कुट भर लिया। भाव की उहदा दिल नहीं भी सी तां वी उहने काम कर लिया। या अपने पिता जी दे कहन ते भी उसने कोड़ा कुट पार लिया। नेक्स्ट है कंडे बीजना। कंडे बीजना मुश्किला पैदा करनिया। कंडे बीजना मुश्किला पैदा कंडे बीजना मुश्किला पैदा करनिया। चंगे बच्चे कदे भी किसी दे काम विच कंडे नहीं बीजते। ठीक है, चंगे बच्चे कदे भी किसी दे काम विच कंडे नहीं बीजते। नेक्स्ट है खेरू खेरू होना तबाह हो जाना। खेरू खेरू होना ह
हाँ बेटा खेरू फेरू होना तबाह या बिखर जाना भी हो सकता है। बिखर जाना गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार खेरू खेरू हो गया जदों केड़ी नदी जाया सी पानी बाढ़ आई सी बेटा हाँ सरसा नदी दे जदों बहुत ज्यादा बारिश दे करके या जदों बाढ़ आई सी तां गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार खेरू खेरू गया या चमकौर साहब की लड़ाई दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार खेरू खेरू हो गया। नेक्स्ट है खंड खीर होना रल मिल के रहना। खंड खीर होना रल मिल के रहना। ऑनलाइन स्टूडेंट भी बेटा नाल ना लिखो रल मिल के रहना। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा नाल ना अर्थ लिख दिया पुत्र खंड खीर होना रल मिल के रहना। चंगे बच्चे हमेशा खंड खीर होके रहते हैं। सुहाना निश्चय निश्चित जनिशा खंड खीर होना रल मिलके रहना। चंगे बच्चे हमेशा रल मिलके रहते हैं। नेक्स्ट है खूब ठपनी बहुत कुटना। खूब ठपनी बहुत कुटना। खूब ठपनी बहुत कुटना। पुलिस ने चोर दी खूब खूब ठप्पी। नेक्स्ट है खाक छानना व्यर्थ कोशिश करना। 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 अजकल दे नौजवान पढ़न लिखन तो बाद भी खाक छानते हैं। ठीक है अजकल दे नौजवान पढ़न लिखन तो बाद भी खाक छानते हैं। नेक्स्ट है खार खानी ईरखा करनी। खार खानी बेटा मैं ना दो विचो छुड़वाए है तब तक के नहीं भूख खोलनी। खार खानी ईरखा ईरखा करनी। खार खानी ईरखा करनी। सानू कदे भी किसे नाल खार नहीं खानी चाहिए। सानू कदे भी किसे नाल खार नहीं खानी चाहिए। ना हाथ तंग होना पैसे दी कमी होना। सेंटेंस बना बेटा हाथ तंग होना पैसे दी कमी होना। सेंटेंस बना बेटा। नेक्स्ट पीछे चला बेटा लास्ट बैंक। हाँ बेटा आप सुनाओ बेटा स्टैंड अप। हाँ बैठो बेटा। हाँ आप स्टैंड अप बेटा। हाथ तंग होना पैसे दी कमी होना। सेंटेंस बना बेटा दा। नेक्स्ट है दोबारा बोले बेटा बीमारी कारण या काम ना करन कारण मेरे पिता जी दा हाथ तंग हो गया है। नेक्स्ट है ना बेटा चंगे बच्चे हमेशा खंड खीर होके रहते हैं। सेना बेटा। नेक्स्ट खार खानी। खार खानी मतलब ईरखा करनी। हाँ वेरी गुड। चंगे बच्चे कदे भी किसी नाल खार नहीं खांदे। नेक्स्ट बेटा कंडे बीजना मतलब मुश्किलां पैदा करनिया। हाँ वेरी गुड। सिंपल मैं कितनी सेंटेंस बोले है चंगे बच्चे कदे भी किसी दे काम विच कंडे नहीं बीजदे। कन्ना नू हाथ लाउणा बेटा तौबा करनी। सेंटेंस बना बेटा।
हाँ वेरी गुड। जब चोर ने पुलिस नू फड़िया, पुलिस ने चोर नू फड़िया ता उसने करना नू हाथ लगाया। नेक्स्ट है कख ना रहना, कख ना रहना, सब कुछ तबाह हो जाना। वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा स्टैंड अप। करना ते जू ना सकनी, भाव की कोई असर ना होना। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट हाथ अड़ना, हाथ अड़ना, ये सुहाना बेटा, सुहाना। मंगना, कई लोग किसी अगे हाथ अड़न नालों मर जाना चंगा समझते हैं। हाँ वेरी गुड। कई लोग मरन नालों या मंगन नालों जिहड़ा कि मरना बेहतर समझते। हाँ लास्ट गल बेटा, हाथ तंग होना। नेक्स्ट हाँ आप हाथ तंग होना, पैसे दी कमी होना, लॉकडाउन कारण सारे दे हाथ तंग हो गए। नेक्स्ट सरसा नदी दे करके जो तो बहुत तेज बारिश आई तब गुरु गोबिंद सिंह का परिवार फेरू फेरू हो गया। नेक्स्ट है हथा दे तोते उड़ना, हथा दे तोते उड़ गए। वेरी गुड। नेक्स्ट है हाथ पीले करने, प्रणव ब्याह करना, मेरे पिताजी ने मेरी भैन दे हाथ पीले कर दिते। आपने सब नंबर का बोल दिया।